हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो बिल्कुल सही सुना अभी आपने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट जो डिलीट करने का, डिसकंटिन्यू का जो ऑप्शन रिमूव कर दिया गया था, वो आज वापस से देखने को मिल रहा है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि गलती से आपसे गलत अपलोड हो गया था, गलत कैटेगरी में अपलोड हो गया था, या फिर किसी भी रीज़न से वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गलत अपलोडेड है, तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो। आज ही ऑप्शन आपको अपने डैशबोर्ड में देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन रिमूव कर दिया गया था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जिन लोगों की प्रोफाइल में प्रोडक्ट अपलोडेड हैं, जो कि वो लोग नहीं चाहते कि हमारी प्रोफाइल में रहें, या फिर गलत हैं, या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हटाने का, उनको डिसकंटिन्यू का जो ऑप्शन है ना, वो जेम ने रिमूव कर दिया था। एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जेम की तरफ से इंसिडेंट रेज किए जा रहे थे अगर कोई प्रोडक्ट गलती से अपलोड हो गया, क्योंकि अब आप उसे डिसकंटिन्यू तो कर नहीं सकते, तो जिम एडमिन के द्वारा इंसिडेंट रेज किया जा रहा था और फिर लोगों की प्रोफाइल ब्लॉक हो रही थी। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी लोग इसके बारे में कंप्लेन भी कर रहे थे कि भैया हम प्रोडक्ट तो हटाना चाहते हैं, आप ऑप्शन तो दो। तो अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनवांटेड है, आप नहीं चाहते अपनी प्रोफाइल में रखना, या फिर गलत अपलोडेड है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको अपनी प्रोफाइल से रिमूव कर सकते हो। आओ बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना जो प्रोडक्ट है जो आप नहीं चाहते, किस तरीके से रिमूव कर सकते हो और उन प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल से हटा सकते हो। ध्यान रखिएगा कि एक बार आपने जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, वापस से आप उसे अपनी प्रोफाइल में कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आपकी प्रोफाइल से वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। अब आपने कौन से प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखे हैं, उन्हें देखने के लिए, जैसे कि आपको पता है आपको कैटलॉग में जाना होता है। कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट्स में जाने के बाद सर्च माई ऑफरिंग में जाने के बाद जितने भी प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखे हैं, वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको जो भी प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल से डिलीट करना है, आपको सिंपल क्या करना है, एक्शन में जाना है। एक्शन में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे। स्क्रॉल करके आने के बाद जिस भी प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल से हटाना है, देखिए पहले इसका ऑप्शन क्या था कि आप अपनी प्रोफाइल में उसका जो स्टॉक है वो जीरो मार्क कर सकते हो। जीरो मार्क करने के बाद होता क्या है, वो प्रोडक्ट मार्केट में दिखना तो बंद हो जाता है, बट आपकी प्रोफाइल में रहता है और आपकी प्रोफाइल में पब्लिश सेक्शन में आपको दिखता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कभी कभार जिम एडमिन फिर भी इंसिडेंट रेज कर रहे थे कि भैया आपकी प्रोफाइल में ये प्रोडक्ट गलत अपलोडेड है। अब क्योंकि हटा तो पा नहीं रहे, तो क्या होता था, प्रोफाइल आपकी सस्पेंड हो जाती थी। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन जेम। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसे अपनी प्रोफाइल से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय डिसकंटिन्यू कर सकते हो। जब आप कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, जैसे ये प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं कि मैंने पेयरिंग क्लोनिंग के थ्रू अपनी प्रोफाइल में ऐड करा था। जो प्रोडक्ट आप खुद अपलोड करते हो, जहां पे आप सारी ही चीजें खुद ही पब्लिश करते हो या फिर सारी ही चीजें खुद ऐड करते हो, नया कैटलॉग क्रिएट करते हो, तो वहां पे ना आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है डिसकंटिन्यू कैटलॉग का। वहां पे ना आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन नहीं मिलेगा डिसकंटिन्यू करने का। जो प्रोडक्ट आपने खुद क्रिएट किया है, आपने नया प्रोडक्ट अपलोड किया है और उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिनेट है, मतलब उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, आप ही की प्रोफाइल है, तो वहां पे ना आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा डिसकंटिन्यू कैटलॉग करने का, नीचे आपको नहीं मिलेगा। नीचे आपको डिसकंटिन्यू करने का उन्हीं प्रोडक्ट्स में ऑप्शन आएगा जहां पे आपने पेयरिंग क्लोनिंग कर रखी होगी। तो इनको फॉलो करके आप अपना प्रोडक्ट जो है डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी प्रोडक्ट जो आप अपनी प्रोफाइल में नहीं रखना चाहते, उनको डिलीट कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, एक बार आपने प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, दोबारा आप उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं कर सकते। तो जल्दी से उन प्रोडक्ट्स को अपने प्रोफाइल से आप हटा दीजिए जो कि गलत अपलोड हो गए हैं या फिर अनवांटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की तरफ से अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि भैया ये फंक्शनैलिटी कब तक रहने वाली है। परमानेंट आ गई है कि दोबारा से टेम्परेरी बेसिस पे स्टार्ट करी गई है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये तो मुझे आज देखने को मिला, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोग भी इसको ठीक कर पाओ, अपनी प्रोफाइल को अपने प्रोडक्ट से हटा पाओ जो आप नहीं चाहते।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, हर एक इंसान तक पहुंचा देना जिसको इसकी जरूरत हो। बेचारे की प्रोफाइल सस्पेंड हो रही थी, प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते थे लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं था इसलिए रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप उसे कर सकते हो, जल्दी से कर लो ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।